दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। देखिए, अजमेर के कोटड़ा इलाके के अंदर रियान स्कूल है, जहां पर आज रियान स्कूल के अंदर काम करने वाले जो बस ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, इलेक्ट्रीशियन जो हैं, ये तमाम तकरीबन 30 से 35 लोगों ने यहाँ पर, जो कर्मचारी रियान स्कूल के हैं, इन्होंने आज स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। भरी दोपहरी में गर्मी के दौरान ये लोग बाहर खड़े रहे घंटों और इंतज़ार करते रहे कि आखिरकार कब स्कूल प्रशासन की ओर से कोई शख्स यहाँ पर बाहर आएगा और इनकी मांगों को सुनेगा और उस पर कोई विचार करेगा। ये तमाम लोगों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन काफ़ी देर घंटों भर तक दोपहर के अंदर जारी रहा, और उसके बाद यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो मसला एक प्रकार से ऐसा आया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन जब से चल रहा है, तब से लोगों के ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ है, और उसी दौरान 2 महीने से ये तमाम जो कर्मचारी इस वक्त स्कूल के बाहर मौजूद थे, उन तमाम कर्मचारियों को 2 महीने से कोई किसी प्रकार का वेतन तनख्वाह यहाँ पर नहीं मिली है। हमारी इस पूरे मामले पर जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई है तो उन्होंने हमको ये जानकारी दी है कि यहाँ पर रियान स्कूल के अंदर जो तमाम कर्मचारी हैं, शिक्षकों को छोड़कर बाकी के जो कर्मचारी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तमाम कर्मचारी मुंबई की बख्शी सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं, और यहाँ पर रियान स्कूल के अंदर ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो ठेके पर काम करते हैं, इसलिए सीधे तौर पर स्कूल के ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं आई है। कुल मिलाकर सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन ने पूरा मामला जो है वो जिस कंपनी को ठेका स्कूल प्रशासन ने दिया है उसके ऊपर डाल दिया है, और कर्मचारी बहुत असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार स्कूल ने ऐसा क्यों किया है। 2 महीने से वेतन उनको मिला नहीं है। लॉकडाउन में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए भी आए थे, लेकिन अब ये तमाम जो कर्मचारी हैं इनको अपनी तनख्वाह का इंतज़ार है। इस समय आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं, इनके परिवार को भी चलाना है, इनके बच्चों की फ़ीस भी इन लोगों को भरनी है। ऐसे में इनके सामने एक बड़ी दुविधा सी स्थिति हो गई है, क्योंकि लंबे वक्त से ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से किसी भी शख्स ने अभी तक इनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अब ये लोग आज खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मीडिया के सामने भी आए हैं कि इन लोगों की मांग को स्कूल प्रशासन तक पहुँचाया जाए और इस पर कोई समाधान निकाला जाए, जिससे जो लॉकडाउन के दौरान आर्थिक हालात बिगड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार आए। तमाम ये तकरीबन 50 कर्मचारी बता रहे हैं कि इनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। सर, हमें 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और लॉकडाउन में हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें मात्र 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं, उन 6 हज़ार में भी इन्होंने 2 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी है, और लॉकडाउन के बीच में भी हमसे 10 से 15 के बीच में इन्होंने काम करवाया। 4-5 दिन हमने काम किया, इन्होंने बोला 15 तारीख तक रुको, 15 तारीख तक वेट करो, तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। टीचरों की भी नहीं है, जबकि टीचरों की 18 तारीख को सैलरी आ गई है और हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है। सर, 2 महीने हाउसकीपिंग स्टाफ है सर हमारा, कम से कम 20 का स्टाफ है, अभी तक किसी को सैलरी नहीं मिली। कितने समय से कर रहे हैं काम? तो सर हमें 3 वर्ष हो गए मुझे तो, बाकी और भी स्टाफ है, पुराने भी स्टाफ है यहाँ पे जो 5-5, 6-6 सालों से काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं टोटल? टोटल है सर हमारा 6 तो बॉयज स्टाफ है, बाकी 12 का स्टाफ भाई जी है, लेडीज स्टाफ। स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है तनख्वाह के बारे में? स्कूल प्रशासन आश्वासन देते हैं, बोला आ जाएगी, काम करो, आप काम करो, हमें बुला रहे हैं, हमने 4-5 दिन काम भी किया, लेकिन सर अभी तक कोई सैलरी नहीं। घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार नहीं चल पा रहा सर, बड़ी मुश्किलों से चल रहा है, आप क्या करें। इनको बोलते हैं हम कि हमारा सैलरी दो, 5-6 हज़ार में होता क्या सर? कुछ नहीं होता, फिर भी नहीं दे रहे हैं सैलरी। सूरज बोल रहा हूँ सर। सर, ये रियान स्कूल का जो आप देख रहे हैं स्टाफ, ड्राइवर और कंडक्टर और स्वीपर स्टाफ जो हैं, ये पिछले 2 महीने से वेतन के लिए खड़े हैं यहाँ पे, इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कितना समय हो गया? 2 महीने हो गया सर, 2रा महीना खत्म होने वाला है 1 तारीख को। कितने कर्मचारी हैं? 30 से 35 कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन नहीं दिया गया अभी तक। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि वेतन देंगे, लेकिन पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। काम आप लोगों के वापस शुरू हो गए, टीचरों को वेतन मिल गए, फीस लिए जा रही है क्या? फीस पूरी ले रहे हैं स्टाफ से, बच्चों पेरेंट्सों से पूरी फीस ली जा रही है, और काम तो है ही है, वर्किंग जो इनकी चल रही है वर्किंग तो चल ही रही है, ऑनलाइन जैसे भी ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सबसे पढ़ा की फीस तो ले ही रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी हम तो इतना कह रहे हैं कि जो हमारी 10,118 रुपये सैलरी है, जिसमें एक गरीब आदमी का घर चलना मुश्किल है आज इस लॉकडाउन के समय के अंदर, ये हमको सैलरी दें, और हमारी कोई ऐसी कोई मांग नहीं है। मेरा नाम शौकत अली। अब आप एमपीटीवी इंडिया ने जो स्कूल की प्रिंसिपल है उनसे भी बातचीत की है,
उसको आप सुन लीजिए कि आखिरकार वो इस पूरे मसले के ऊपर क्या कह रही हैं। हम लोगों का ये सिस्टम चलता है कि हमारा जो सेंट्रल ऑफिस से ऑर्गेनाइज होता है सारी चीजें, और हमने ये बसेस का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर सैलरी नहीं दे रहा है या क्या कर रहा है उसमें, तो हम बीच में इन्वॉल्व ही नहीं है। मैम इसमें बहुत सारे कर्मचारी इलेक्ट्रिशियन भी थे, बहुत सारे आपके हाउसकीपिंग का स्टाफ भी था। सारा जो स्टाफ है ना सर, ड्राइवर कंडक्टर और अंदर का जो स्टाफ होता है, जितना भी मिनिस्ट्रल स्टाफ है हमारा, प्यून हो गया या फिर ये हो गया, ये सारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। और कॉन्ट्रैक्ट पे इनका हमारा बख्शी सिक्योरिटीज, अगर आपने नाम सुना होगा मुंबई में है, तो बख्शी सिक्योरिटीज को पूरा रायन जो है ना वो देता है। ओके, यानी कि आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं ये सारी है ये ठेके पर है? सब ठेके पे है सब कुछ। ओके, तो ये इसका पेमेंट हमारा पूरा ऊपर हेड ऑफिस से ही होता है, पूरे साल भर का या जो भी होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। फिर वो बख्शी सिक्योरिटीज की मर्जी है, वो इनको रखता है या किसी और कॉन्ट्रैक्टर, मतलब किसी और को रखता है, तो वो उनके बीच में है, उसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं।